नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों पर कसा कंजा, 24 अप्रैल तक मांगी EWS रिपोर्ट। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, कैसे शिकंजा कसा गया, क्या वजह है जिसकी वजह से दिल्ली के शिक्षा विभाग ने 24 अप्रैल तक स्कूलों से ये रिपोर्ट मांगी, ये सारी जानकारी मैं आपको abplive.com के माध्यम से देने जा रही हूँ। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से जानकारी मांगी गई है कि EWS श्रेणी के तहत जो छात्र 8वीं पास कर चुके हैं, अब वे किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, आप सभी को पता है दिल्ली सरकार कहती है कि वे सभी स्कूल जो सरकारी ज़मीन पर पड़े बने हैं, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें 12वीं तक RTE के तहत निशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो 8वीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों पर दबाव बनाते हैं कि या फिर तो वह स्कूल की फीस को दें या फिर 9वीं कक्षा किसी और स्कूल से करें। तो इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी गई है यह जानने के लिए कि वह विद्यार्थी जो 8वीं तक EWS के तहत पढ़े हैं, 9वीं और उससे आगे की कक्षाएं वे किन स्कूलों से कर रहे हैं। इससे खुद डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को पता चलेगा कि ऐसी स्थिति विद्यार्थियों के साथ कब कब आई, विद्यार्थी किन स्कूलों में गए और कौन से स्कूल ऐसे हैं जो विद्यार्थियों पर इस प्रकार का दबाव डाल रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार यह प्रैक्टिस सारी, यह सारी जो रिपोर्ट पे कार्य है, कर क्यों रही है, इसकी जानकारी भी इस लेख में जो abplive.com के हवाले से छपा है उसमें दी गई है। देखिए, साफ साफ लिखा है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, वंचित समूह और दिव्यांग श्रेणी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग मतलब EWS, वंचित समूह मतलब DG और दिव्यांग श्रेणी मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी से 8वीं पास हुए छात्रों के स्टेटस की मांग की है। निजी स्कूल प्रशासन को शिक्षा विभाग को उसकी जानकारी 24 अप्रैल तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इससे पता चलेगा कि इस श्रेणी के तहत निजी स्कूलों से शिक्षा ग्रहण कर चुके छात्र जो 8वीं पास कर चुके हैं, अब किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऐसा देखने को मिला है कि कई छात्र जो निजी स्कूलों में इन श्रेणियों के तहत मुफ्त में पढ़ रहे हैं, उन छात्रों पर 9वीं कक्षा में स्कूल प्रशासन की ओर से दबाव बनाया गया कि वह भी सामान्य श्रेणी के तहत आने वाले छात्रों की तरह फीस जमा करवाए। इससे इन छात्रों ने फीस ना जमा कराने के कारण निजी स्कूलों से नाम कटवा लिया और सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लिया। इस सत्र से 8वीं पास छात्रों का मांगा गया है स्टेटस। जी हाँ, शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए 8वीं पास छात्रों का स्टेटस मांगा गया है। शिक्षा विभाग ने परिपत्र में कहा है कि निजी मान्यता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रवेश स्तर पर आवंटित कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद EWS DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स श्रेणी के छात्रों की मौजूदा स्थिति क्या है। अब यह पूरा मुद्दा क्यों सामने आया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह मुद्दा उठा बजट सत्र में। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने बताया कि EWS DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स श्रेणी के छात्रों की 8वीं से लेकर 10वीं 12वीं तक निजी भूमि पर चलने वाले मान्यता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा जारी रखने का मामला 31 मार्च को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उठाया गया। इसमें पूछा गया कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाली इन श्रेणियों के तहत छात्रों की शिक्षा का स्टेटस क्या है। इस संबंध में उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए गए कि स्कूलों को फॉर्मेट में 8वीं पास छात्रों के नाम, उनके पिता का नाम, छात्र सरकारी स्कूल में शिफ्ट हुआ या किसी दूसरे निजी स्कूलों में दाखिला लिया तो किन कारणों के चलते, और अगर पढ़ाई छोड़ दी तो उसकी वजह की भी जानकारी देनी होगी। जी हाँ, काम चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है, लेकिन आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपका भी काम यानी कि आपकी भी परेशानी तभी दूर होगी जब आप अपनी परेशानी खुद शिक्षा विभाग के सामने रखेंगे। शिक्षा विभाग आपकी बात नहीं सुनता, उनकी भी बात नहीं सुनी थी, मैं गई, मेरे से बात नहीं करी, हो सकता है आपके भी ऐसे अनुभव हो। लेकिन याद रखिएगा, सरकारी विभाग में एक बार जाने से काम नहीं होता, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाने के भी कई तरीके होते हैं, सभी तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप अपनी शिकायत
शिक्षा विभाग तक दर्ज करवा पाए तो आपके बच्चे के दाखिले में मदद और जो भी और परेशानी आप झेल रहे हैं उसका भी निवारण दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा जरूर किया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। और हाँ, आप में से बहुत से लोग अभी भी हैं जिन्होंने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है, बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, चाहती हूँ आप भी मेरा पूरा पूरा साथ दें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।